हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स संगीता। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में ये ठंड का पौधा है जरेनियम, लेकिन ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये हमने अक्टूबर नवंबर में लगाया, अक्टूबर में इस पौधे को हमने अक्टूबर में लगाया था और जनवरी या फरवरी से इसमें फूल आना शुरू हुआ और अभी तक से वो आता ही जा रहा है। ठंड में काफी आता था और अभी ये गर्मी में कम आ रहा है, लेकिन ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए इसमें कितने अच्छे से आया हुआ है, बहुत सारा फूल आया हुआ था। हमने अभी इसको कटिंग करके हटा दिया है बहुत सारा। और ये जरेनियम जो है एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। मैंने इसके पहले कभी जरेनियम लगाया था, लेकिन उसको हम ठंड में जब खिल जाता था तो उसके बाद हम उसको हटा के गमले में नया पौधा लगा देते थे, लेकिन इस बार हमने उसको हटाया नहीं और हम जरेनियम को उसी तरह जिस गमले में था उसी गमले में हम छोड़ दिए। और देखिए कितने अच्छे तरह से फ्लावरिंग हो रहा है और हमेशा पूरा टाइम होते रह रहा है। ऐसा नहीं कि कभी भी इसमें फ्लावरिंग होना बंद नहीं हुआ, चाहे कितनी भी तपती धूप में भी ये पौधा फूल देता ही रहा। लेकिन हम इसको जो दिन भर का धूप लगता था, ठंड के दिन में डायरेक्ट सनलाइट में रहता था, लेकिन अभी इसको हम वैसे जगह पे रख दिए हैं जहाँ पे आधे दिन की धूप आती है, सुबह की धूप आती है। 3-4 घंटे सुबह की धूप लगती है, लेकिन दोपहर के बाद वाली धूप यहाँ, दोपहर के मतलब एक बजे के बाद उसमें इस पौधे में धूप नहीं लगती, वो छाया में हो जाता है। लेकिन सुबह से जब से धूप होती है 1 बजे तक इसमें धूप लगते रहता है, तो सुबह की धूप में भी ये पौधा हमारा खराब नहीं हुआ। मेरे पास पहले भी हमारे पास ये 7 गमले में मतलब 7 पौधे थे और अभी भी ये 7 पौधे हैं। ठंड में हमने इसका वीडियो बनाया था, मेरे पास 7 ही पौधे थे, एक भी पौधा मेरा गर्मी में भी खराब नहीं हुआ, बहुत तपती गर्मी में भी। और देखिए इसमें हम पूरा कटिंग कर दिए थे, इसको बिल्कुल छोटा कर दिए थे, तो इसमें नई नई ढेर सारी पत्तियां निकल भी गई हैं और देखिए कली भी निकलना शुरू हो गया है। एक यहाँ निकला हुआ है और एक यहाँ निकला हुआ है, मतलब कटिंग पूरा अच्छे से कर देने के बाद नई नई पत्तियां निकल के नया नया कली भी निकल रहा है। और ये सब तो इसमें ज्यादा कटिंग नहीं किए थे, अभी इसको कल हमने कटिंग किया और उसके बाद हम छोटे छोटे पॉट में लगा के रखे हैं ताकि ये हमारा ठंड के लिए पौधा रेडी हो जाए। अभी से ही हमने लगाना शुरू कर दिया है, इसलिए कि ये जितना इसमें ब्रांच होता है उतना ज्यादा इसमें फ्लावरिंग होता है। और दूसरे जगह भी हमने लगाया, बड़े गमले में भी इसको लगा के रखा है और ढेर सारा गमले में मैं लगा ली हूँ इसको और बहुत अच्छे तरह से ये लग भी गया है। कल ही अभी हमने इसको लगाया, देखिए कटिंग करके बहुत सारा हटाए हैं और इसको लगा दिए हैं। और जब हम कटिंग करके ये जो पौधा है इसको हम शेड में रखे हैं, मतलब जहाँ 10-15 मिनट या आधे घंटे की धूप आती हो वैसे जगह पे। इसको धूप नहीं चाहिए अभी, जब तक ये पौधा लग नहीं जाए, लग जाएगा उसके बाद इसको बड़े गमले में शिफ्ट करके तब इसको हम ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ आधे दिन की धूप आती हो, क्योंकि ठंड के लिए हमारा दिन भर का धूप इसको चाहिए, गर्मी में इसको पूरा दिन की धूप नहीं चाहिए। और कोई प्रॉपर केयर इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें हम जो ठंड में जिस तरह से जिस गमले में लगाए थे उसी में ये है और सिर्फ पानी पड़ रहा है और कुछ भी किसी तरह का ना लिक्विड फर्टिलाइजर ना गोबर कोई चीज हम इसमें नहीं डाले हैं। देखिए कितने अच्छे से ये पौधा हो रहा है। और आप गमले को छोटे छोटे पॉट को इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं और ढेर सारा आपको जरेनियम का पौधा हो जाएगा कटिंग के द्वारा और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी। आप देख ही रहे हैं कि हमारे गर्मी में भी कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। जाड़े में थोड़ा बड़ा बड़ा बंच लेके होता है, गर्मी में छोटा छोटा बंच हो रहा है, बस यही फर्क है जाड़े और गर्मी में। और देखिए कितने अच्छे तरह से, और आपको हमने दिखाया बहुत सारा कटिंग कर दिया और ढेर सारा, मतलब कम से कम हम इसके कटिंग को 15-20 गमले में लगाए हैं, 6 यहाँ है और 1 यहाँ पे है और बहुत सारे जगह पे छोटे छोटे गमले में लगा के उसको रख दिए हैं। अगर आपके पास भी जरेनियम का पौधा हो, अगर खराब नहीं हुआ हो, तो आप उसको शेड में रख दीजिए और इसमें डेली पानी की जरूरत नहीं है। हम आधे दिन के धूप के बाद भी 2 दिन के बाद मतलब अल्टरनेट डे इसमें पानी डालते हैं। और उसके बाद देखिए
कितने अच्छे से इसमें फूल खिल रहा है। अगर आपके पास भी है तो आप भी उसको सेड में रख दीजिए और कटिंग करके ढेर सारा आप गमला रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी, वहां भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।